तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्नो विलेज के अंडरग्राउंड आ चुका हूँ एंड आप भी यहाँ पर इसके अंदर आकर बाहर की तरफ एनमी को सरप्राइज कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी कमाल का ग्लिच मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके मदद से भाई साहब आप अंडरग्राउंड तो आ ही सकते हो, उसके साथ साथ यहाँ पर दीवार के आर पार एनमी को फायर करके मार सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर मैं दीवार के आर पार हैकर की तरह यहाँ पर मैं एनमी को फायर कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट ग्लिच बताऊंगा, यहाँ पर दीवार के अंदर आने वाला ग्लिच बताऊंगा, एक सीक्रेट यहाँ पर लोकेशन आपको बताऊंगा जहाँ पर कोई भी एनिमी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा एंड आप यहाँ पर बर्फ के बीच में स्नो विलेज के अंडरग्राउंड रह के एनिमी को यहाँ पर अंदर में रहते हुए भी मार सकते हो और काफ़ी मज़ा आने वाला, काफ़ी कमाल के ग्लिचेस मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब गाइस, फर्स्ट ग्लिच करने के लिए यहाँ पर आपको आइस वाला जो घर है उसमें आ जाना है, मेन हाउस के अंदर। एंड इस मेन हाउस के अंदर नीचे में भाई साहब आपको यहाँ पर दो टेबल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर से आपको बहुत ही अच्छे से देखना है तभी आपको ये ग्लिच समझ में आएगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दो ड्रम जैसा लकड़ी का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा और इसी लकड़ी के ऊपर ये ग्लिच काम करता है। तो गाइस, यहाँ पर आपको स्प्रिंट को लॉक कर देना है एंड इस लकड़ी के ऊपर जंप कर देना है। यहाँ पर स्प्रिंट लॉक किया, जंप किया एंड बूम गाइस, यहाँ पर आप इजिली इस दीवाल के अंदर आ गए। अब गाइस, यहाँ पर दीवाल के अंदर में ना आपको कोई भी बंदा स्पॉट नहीं कर पाएगा एंड इजिली यहाँ पर बैठ के रैंक पुश तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ दीवाल के आर पार यहाँ पर थ्रोएबल्स आइटम्स मारकर आप एनिमी को सरप्राइज कर सकते हैं एंड इजिली यहाँ पर रैंक पुश हो ही सकता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप आगे जाते हो ना, तो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो बर्फ के नीचे आप आ जाओगे एंड ऊपर में जो बंदे होंगे उनको भी आप स्पॉट कर पाओगे और बाहर के एनिमी को यहाँ पर गन की नली को बाहर निकाल के ईजली आप उसको मार सकते हो। तो इस तरीके से आप अंदर में रहते रहते किल विल भी अच्छा उठा सकते हो, हॉट ड्रॉप है और यहाँ पर काफ़ी किल आपको मिलेगा और एनिमी से भी आप छुप सकते हो। लेफ्ट साइकिल में अगर आप यहाँ पर क्राउच होकर आते हो तो यहाँ पर अंदर में रहते रहते नीचे में रहते हुए भी ऊपर की तरफ एनिमी को स्पॉट कर सकते हो एंड FPP स्विच करके ईजली गन के नली को बाहर निकाल के यहाँ पर एनिमी को सरप्राइज कर सकते हो और काफ़ी मज़ा आने वाला, काफ़ी किल यहाँ से आप उठा पाओगे एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप हैकर एंड एनिमी से यहाँ पर छुप के रैंक पुश कर सकते हो। उसके साथ साथ देख सकते हो नज़ारा काफ़ी कमाल का होने वाला है एंड यहाँ पर भी आ सकते हो, यहाँ पर दीवार के आर पर अगर आपको एनिमी को मारना है तो गन की नली को आपको बाहर निकलना है एंड बूम गाइज आप ईजली एनिमी को मार सकते हो। तो गाइज, पूरा का पूरा यहाँ पर स्नो विलेज जो है उसके यहाँ पर अंडरग्राउंड में पूरा का पूरा सैर कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हो एंड बाहर निकलने के लिए किसी भी डायरेक्शन में आप जंप करके आओगे तो इस प्रकार से बाहर भी निकल सकते हो। अब गाइस, दूसरा ट्रिक करने के लिए आपको यहाँ पर रेंडियर ले लेना है एंड ये जो एक्समस पेड़ दिख जाता है ना, इसके ऊपर उछला देना है। जैसे यहाँ पर उछला दोगे उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर भी आप छुप सकते हो एंड यहाँ पर सीट चेंज करने के बाद यहाँ पर SMG वेपन से आप एनिमी को मार सकते हो एंड उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर थ्रोएबल्स आइटम को भी आप अंदर में रहते रहते सीट चेंज करके मार सकते हो एंड ईजली आप एनिमी को कुछ इस प्रकार से किल भी कर सकते हो। गाइज, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको सीट चेंज करना है एंड SMG वेपन मेरे हाथ में है, यानी कि UMP है, तो ये UMP को आप बाहर की तरफ मार सकते हो, मतलब इसके अंदर छुपे हुए भी रहकर आप एनिमी को बाहर की तरफ मार सकते हो एंड कोई भी इमेजिन नहीं कर पाएगा कि भाई साहब आप अंदर में भी छुपे हो सकते हो। अब गाइस, यहाँ पर ये नेक्स्ट ट्रिक करने के लिए आपको ब्रिज के पास आ जाना है, रेंडियर लेके इस घर के ऊपर चढ़ जाना है एंड ठीक यहाँ से आपको जंप करा देना है रेंडियर को इस लाइट हाउस के ऊपर एंड ईजली आप यहाँ पर अटक जाओगे। फिर यहाँ पर रेंडियर को थोड़ा सा आपको जंप करके आगे की तरफ बढ़ाना है एंड ईजली आप यहाँ पर अटक जाओगे। अब गाइस, यहाँ पर रेंडियर को घुमा लेना है राइट की तरफ ताकि आप यहाँ पर लैंडिंग इसके अंदर में ईजली कर पाओ। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर में लैंड कर चुके हैं हम लोग और यहाँ से आप रैंक पुश तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रिज कवर कर सकते हो और अगर आपके पास स्नाइपर है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब गाइस, यहाँ से इसके ऊपर भी आ सकते हो लाइट हाउस के टॉप पर, बट यहाँ पर थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, एनिमी थोड़ा सा आपको स्पॉट कर लेगा क्योंकि रेंडियर भी यहाँ पर आपके साथ में ऊपर रहेगा, बट जल्दी एनिमी का ध्यान नहीं जाता है
और यहाँ से आप एनिमी को ईजिली मार सकते हो। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये टिप्स एंड ट्रिक्स लगा सकते हो। अब गाइस नेक्स्ट ट्रिक करने के लिए यहाँ पर जो भी वेयर हाउस आपको दिखता है एंड उसके ऊपर अगर आपको एनिमी दिखता है तो उसके ऊपर डायरेक्टली आप एनिमी को सरप्राइज कर सकते हो ये स्नो ब्लास्टर यूज़ करके। सो यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी स्नो ब्लास्टर यूज़ कर लेना है मैक्सिमम एंड यहाँ पर जंप करके आप ईजिली इसके ऊपर आ सकते हो एंड एनिमी को भाई साहब सरप्राइज कर सकते हो और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्नो ब्लास्टर का अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो। अब गाइस कई बार क्या होता है आपका जो स्नो ब्लास्टर का ना एमओ ख़त्म हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड चल रहा है यहाँ पर, ये जो आइकन दिख रहा है गोली वाला उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो कुछ इस प्रकार से एनिमेशन होगा एंड यहाँ पर आपका जो स्नो ब्लास्टर जो गन है वो ऑटोमेटिक इधर उधर करके आपके अंदर यहाँ पर खींच लेगा और यहाँ पर आपका जो एमओ है वो बढ़ जाएगा। देख सकते हैं एक बार और आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम लेगा एंड कुछ प्रकार से एनिमेशन होगा एंड कुछ इस प्रकार से आपका जो गोली है वो बढ़ जाएगा। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जो भी ग्लिच एंड ट्रिक्स आपको पसंद आया उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरीके के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल विजिट करके और भी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।